एक बड़ी खबर फरीदकोट तो आ रही है, इथे स्कूल वैन पलट गई है ते इस हादसे विच 14 बच्चे जख्मी दिसे जा रहे हैं, जिन्हां विचों दो बच्चों की हालत काफ़ी गंभीर दसी जा रही है। फरीदकोट की यह खबर है, इथे स्कूल वैन पलट गई है, 14 बच्चे जख्मी हुए ने, दो बच्चे गंभीर दसे जा रहे हैं, जख्मी बच्चों को मैडिकल कॉलेज दाखिल कराया गया। इस खबर से ज़्यादा जानकारी देने साडे पत्रकार देवानंद शर्मा फरीदकोट तो फोन लाइन जरिए साडे नाल जुड़ रहे हैं। देवानंद जानना चाहवांगे किस तरह यह हादसा वापरिया, ताज़ा हालात की ने? बलविंदर ये बता दें, सुबह 8:30 बजे का टाइम था जब ये बच्चों को लेकर मिड्डूमान से जाट साहब की तरफ से मिड्डूमान स्कूल को लेकर ड्राइवर आ रहा था, तभी वहां रास्ते में मिट्टी के एक टोआ टोए में इसका टायर तो है जोर से झटका लगा जिसके से गाड़ी पड़ी। बच्चों को ये कहना है कि ड्राइवर फोन सुन रहा था, फोन सुनने के कारण उसका जो गाड़ी का समझ नहीं पाया और पलट गई। ये गाड़ी बिना परमिट कोई का ही पता नहीं इस गाड़ी का भी, ठीक है जी। ये बच्चों को मानना है कि फोन सुनने की वजह कारण ही गाड़ी पलटी जी। इतने बच्चों की हालत दसी जा रही है, बच्चे ने दो बच्चे की हालत गंभीर है, उन्होंने रेडिएटर जो गर्म पानी होता ना गड्डी वो के छाले पड़ गए हैं, पानी उनके शरीर पर पड़ गया है जी। जी देवानंद बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस सारी जानकारी दे लिए। डॉक्टर माफ करना, जो बच्चे वो कह रहे हैं कि जिहड़ा ड्राइवर है उसकी लापरवाही कितना कितने देखने को मिली है, वो फोन सुन रहा है जिस करके एक जिहड़ी गड्डी है वो लापरवाही करके पलटी है, तो दो बच्चे जिहड़े है उन्होंने उपर रेडिएटर जिहड़ी बैटरी का पानी उन्होंने उपर पै गया, वो गंभीर दसे जा रहे हैं, तो 14 बच्चे इस जख्मी हुए हैं।